इसके अलावा बात आज की बड़ी खबरों की होगी, जिसमें अहम है राहुल का संघ पर सीधा आरोप कि संघ ने असम के बारपेटा मंदिर में उन्हें घुसने नहीं दिया था। बारपेटा का ये मंदिर राहुल के बयान के बाद सुर्खियों में है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं कि पिछले दिनों संघ के लोगों ने उन्हें इस मंदिर में जाने से रोका। मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। लेकिन मंदिर राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। इट्स अनबिलीवेबल, देयर इज नो सच हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ एनी विजिटर टू द बारपेटा सत्र अंडर डायरेक्शन फ्रॉम एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को झूठ बताया और कहा कि संघ मंदिर नहीं चलाता। अब सवाल ये कि राहुल ने आरएसएस पर मंदिर में घुसने से रोकने के आरोप क्यों लगाए? कहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोप का संबंध आने वाले असम विधानसभा चुनाव से तो नहीं? कहीं राहुल गांधी मंदिर में एंट्री रोकने की बात कहकर अभी से मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में तो नहीं लग गए? इन सारे सवालों के बीच ये सवाल भी मौजूद है कि असम में कांग्रेस की सरकार है, जाहिर है राहुल के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम रहे होंगे। ऐसे में राहुल को मंदिर में घुसने से रोकने की हिमाकत कौन कर सकता है? जीएसटी पर सहमति बनाने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के दिग्गजों आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद से बातचीत की। संसद में हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद थे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों की माने तो जीएसटी पर सरकार और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी रहेगी। संसद का सत्र बीत रहा है और हर रोज कांग्रेस किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा कर रही है। ऐसे में सरकार की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। उसने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत कयामत तक मुंबई हमलों को साबित नहीं कर पाएगा। तुम बम्बई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। हाफिज सईद का बयान पर सारी पार्टियों ने कड़े तेवर दिखाए। आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद के प्रति भारत का जीरो टॉलरेंट एटीट्यूड है, उससे किसी तरह का ना समझौता है और ना उसमें किसी तरह की नरमी है। हाफिज सईद को पाकिस्तान हमें सौंप तो दे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंटरोगेट करने का मौका तो मिल जाए, सब साबित कर देंगे। हाफिज सईद की हेकड़ी को भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो रही बातचीत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जब भी दोनों देशों के रिश्ते बातचीत की पटरी की तरफ बढ़ते हैं तो धर्मगुरु होने का लबादा ओढ़े हाफिज सईद जैसे आतंकी रिश्तों को डिरेल करने के मिशन में लग जाते हैं। एक बेजान पुतले से शिमला में बड़ा हादसा हो सकता है। डीसी दफ्तर के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। आग तो पीएम मोदी के पुतले में लगाई गई, लेकिन इसकी आंच में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता झुलस गए। श्रीनगर की सड़कों पर जोरदार हंगामा हुआ। गुस्से के प्रदर्शन करने उतरे लोगों को काबू में करना पुलिस के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। दरअसल लोग खाद्य सुरक्षा बिल का विरोध करने सड़कों पर उतरे थे, लेकिन देखते देखते हंगामा बढ़ गया। लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और फिर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। विवादित बयान से सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने भगवान बुद्ध पर हमला किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मोदी भारत को बुद्ध का देश तो बताते हैं, लेकिन भारत के लिए बुद्ध का कोई योगदान नहीं रहा। हम पूछना चाहते हैं कि बुद्ध ने हमारे देश को क्या दिया है? बुद्ध ने तो हमें व्यवहारिक जीवन है, उससे हमारा उससे मुंह मोड़ना सिखाया है। स्वरूपानंद सरस्वती ने कुछ दिनों पहले तक शिरडी के साईं बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और अब बुद्ध को निशाना बना रहे हैं। मुंबई के सनसनीखेज डबल मर्डर के मुख्य आरोपी साधु राजभर को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने वाराणसी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक राजभर ही वो शख्स है जिसने हेमा उपाध्याय को ये कहकर मिलने के लिए बुलाया था कि उसके पास उनके पति चिंतन उपाध्याय के बारे में अहम जानकारी। ये लोग बता रहे हैं कि ये मर्डर में इन्वॉल्व था और इसने एक्सेप्ट भी किया है। हमारे थाने पे बड़ागांव थाने पे इन लोगों ने हैंडओवर किया है, जीडी में एंट्री की गई है। इस बीच मुंबई पुलिस ने हेमा के पति से भी पूछताछ की है। आपको बता दें कि रविवार को मुंबई के कांदीवली इलाके के एक नाले में हेमा और उनके वकील हरीश भंबानी की लाशें मिली थी। दोनों शव एक गत्ते के बॉक्स में पैक थे।
रुपए में भारी गिरावट का दौर जारी है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे लुढ़क कर 67.09 रुपए पर चला गया, जो 2 साल का सबसे निचला स्तर है। शुक्रवार को भी रुपए में गिरावट दर्ज की गई थी। जानकारों के मुताबिक रुपए में गिरावट ग्लोबल इक्विटी मार्केट में गिरावट की वजह से दर्ज की जा रही है। साथ ही दुनिया भर की करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में मजबूती की वजह से भी रुपए का भाव गिर रहा है। अमेरिकी फेडरल अगर दरों में इजाफा करता है तो रुपए में गिरावट और गहरा सकती है। रुपया अगर लगातार कमजोर होता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी।